वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आईएएस प्रीलिम्स 2019 हो चुका है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो निश्चित तौर पे आप आंसर्स देखना चाहेंगे। आपकी उम्मीद होगी कि अगर आपको आंसर्स ऑथेंटिक लिंक के साथ मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो, ताकि आप खुद भी वेरीफाई कर पाएं कि जो आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं वो सही हैं। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तब भी आप क्वेश्चंस के सही जवाब और एक्सप्लेनेशन जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास पेपर है दैट इज सेट बी। अगर आपके पास बी सेट है तब तो आप क्वेश्चन के सीक्वेंस में उसे मैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेट बी नहीं है तो आप क्वेश्चंस देखकर उसे मैच कर सकते हैं। इसके पहले 1 to 50 जो क्वेश्चंस हैं सेट बी के अंतर्गत, उन्हें मैम के द्वारा डिस्कस किया गया है, और 51 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं डील करने वाला हूं। तो 51 से हम शुरुआत करेंगे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है 51, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर पे बात करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में है, AR उसे लिखा गया है, और दूसरा क्वेश्चन वर्चुअल रियलिटी के बारे में है, VR लिखा गया है। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन को फिर डील करना आसान हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? एक्चुअली में वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो सच तो ना हो लेकिन सच जैसा लगे। वो सच तो नहीं है लेकिन सच जैसा लग रहा है, और वो सच्चाई कुछ यूं आपको फील होती है कि आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, आप उसी वर्चुअल रियलिटी में इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप कई बार हो सकता है मॉल्स में गए हों, वहाँ पर एक गेमिंग सेक्शन होता है, आपने देखा होगा एक आदमी चश्मे जैसा कुछ आँखों पे बहुत मोटा सा लगा के रखे हुए होता है, दो लोग उसे पकड़ के रखते हैं और वो एक ड्रंकन व्यक्ति की तरह लड़खड़ा रहा होता है, इधर उधर लुढ़क रहा होता है, उसे पकड़ा गया होता है, वो है वर्चुअल रियलिटी। बिकॉज वो जो हेडसेट अपने सिर पे लगा के रखता है वो उसे वर्चुअल रियलिटी में लेके चला जाता है। वो अंदर एक गेम देख रहा होता है और उसके सेंसेस उसी गेम के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, बॉडी भी उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रही होती है, वो बाहर की दुनिया से कट चुका होता है। ये मतलब है वर्चुअल रियलिटी का, पिक्चराइज हो गया। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी को समटाइम मिक्स्ड रियलिटी भी कहा जाता है। तो इसमें आप बाहरी दुनिया से कटते नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए कि आपकी जो कार है उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी को मिक्स कर दिया गया है, तो आप कार चला रहे हैं लेकिन कार की स्क्रीन पर पूरा मैप दिख रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो आप वर्चुअल रियलिटी से कटे नहीं है, क्योंकि सामने जो आपको रोड दिख रही है वो तो रियल है और जो आपकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन दिख रही है वो वर्चुअल है, तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी में हैं। अब आपको मतलब समझ में आ गया, अब स्टेटमेंट देखते हैं। आप देखिए, आपको बड़े आराम से इस क्वेश्चन को डील करने में आसानी हो जाएगी। इन ऑगमेंटेड रियलिटी AR अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। मैंने आपको बताया ये तो बातें वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताई जा रही हैं, तो पहला कुछ स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। ये एक्चुअली में ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात की जा रही है, ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। तो ये बात जो हम पहले कर रहे थे कि आप प्रेजेंट में अवेलेबल होते हैं, कार वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, लेकिन फिर भी आप एक वर्चुअलिटी को फील कर पाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है VR, यानी कि वर्चुअल रियलिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। VR closes the world and transposes an individual providing complete इमर्सन एक्सपीरियंस। इमर्सन एक्सपीरियंस का मतलब आप किसी चीज़ में डूब जाते हैं, ठीक है, और आपका जो अनुभव होता है वो बाहरी दुनिया से कट जाता है। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, जो गेमिंग वाला आपने एग्जांपल लिया था, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या निकल के आया? 3 and 4 B। देखिए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक्चुअली हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो आंसर ड्रॉ करना है। अगर एक दो स्टेटमेंट के सही या गलत होने से हमारा आंसर निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन में जाने का प्रयास हम करेंगे नहीं। स्टिल ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर देखिए बी दिया गया है, और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और देखना चाहते हैं तो ये लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे डाल भी दी है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पर वर्ड में लिखी गई हैं, जो मैंने आपको समझाया है वो ज़्यादा इजी है समझना। अब दूसरा या 52nd क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, द वर्ड डेनिसोवर, डेनिसोवन, एग्जैक्टली डेनिसोवन समटाइम्स मीडिया में देखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका जो जवाब है वो है बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। आप इस, ये एक्चुअली में करेंट अफेयर्स में था, आप इसे इस लिंक पर जाके पढ़ सकते हैं आराम से, ये आपको वहाँ पे डिटेल मैनर में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिख भी दिया है डेनिसोवन्स के बारे में, तो आप इसको भी यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, 53rd क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली में देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा था कि आधा क्वेश्चन एक पेज पर था, आधा दूसरे पेज पर था, इसीलिए मुझे दो पीसेस में लगाना पड़ा है। विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। एक्चुअली में जो आपका आंसर है वो सी है। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लीकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन लेबोरेटरी। देखिए, यूजुअली जो रेप्लीकेशन करवाया जाता है डीएनएस का, वो डीएनए सिंथेटिक होते हैं। किसी भी एनिमल सेल से किसी डीएनए को निकाल कर लेबोरेटरी में ले जाकर रेप्लिकेशन अभी तक नहीं करवाया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट निकलेगा। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं। इनके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो तो आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। 54th क्वेश्चन यहाँ पर है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। नहीं, ये गलत है, बिकॉज ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को नहीं इंडिकेट करता, आइडेंटिफाई करता, बल्कि जो उस सिग्नेचर को इस्तेमाल करता है उसे आइडेंटिफाई करता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो आपको एक सिग्नेचर दे देती है, उसके ऑथेंटिफिकेशन का इससे कुछ खास फर्क मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत निकलेगा। दूसरा स्टेटमेंट, यूज टू सर्व एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्वर ऑन इंटरनेट, ये सही है। और एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड, मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है वो अनचेंज्ड है, आप साइन करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि, चूंकि डिजिटल कंटेंट को आप बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कागज़ पे आप साइन करते हैं उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि आप उसमें कुछ भी गड़बड़ी करेंगे, फिर से लिखेंगे, मिटाएंगे तो पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली पता नहीं चलता। तो डिजिटल सिग्नेचर इस बात को इंश्योर करता है कि हाँ, जो डॉक्यूमेंट है उसे चेंज नहीं किया गया है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर निकल के आएगा बी, आंसर बी है। और इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत डिजिटल सिग्नेचर के बारे में इस लिंक पर देखी जा सकती है। 55th क्वेश्चन हमारे सामने है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकम्प्लिश्ड बाई वियरेबल डिवाइसेस। वियरेबल डिवाइसेस, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसे आप अपने शरीर पे पहन लेते हैं, वो वॉच के फॉर्म में हो सकता है, ब्रेसलेट के फॉर्म में हो सकता है, जैकेट के फॉर्म में हो सकता है, वो किस तरीके से मदद करता है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये किसी भी पर्सन की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, करेक्ट है। ये स्लीप मॉनिटरिंग कर सकता है, बता सकता है आप कितने समय सोए, कितने समय जागे, करेक्ट है। और ये हियरिंग इम्पेयरमेंट जो इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनको भी असिस्ट करता है। देखिए, एक्चुअली में टेक्नोलॉजीज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो समटाइम्स अगर दिए जाते हैं तो सही होते हैं, बिकॉज एक टेक्नोलॉजी का बहुत वाइड रेंज में यूज़ होता है। तो इसके तीन के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर निकल के आएगा डी, सो आंसर इज डी। तो हमारे पास 56th क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब आरएनए में इंटरफेरेंस से है, जिसके ज़रिए उस आरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है, अगर वो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, सही स्टेटमेंट है ये, आप इसे करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट कैन बी यूज्ड, यहाँ पर देख लीजिए, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ के लिए भी किया जा सकता है इस्तेमाल, लेकिन अगर आप इसके यूज को सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। चौथा ये है कि इसका इस्तेमाल वायरल पैथोजेंस के प्रति रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए भी किया जा सकता है, तो ये भी सही इस्तेमाल है इसका, ठीक है। तो आपको जो सही जवाब मिलेगा दैट वुड बी ए, 1, 2 एंड 4, दैट यू कैन सी हियर, 1, 2 एंड 4, ए इज़ करेक्ट। 57th क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में दो जाइंट ब्लैक होल्स के कोलिजन को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया मिलियंस ऑफ ईयर्स अवे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया है, इनफैक्ट चौथी बार इस कोलिजन के दौरान ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया। तो सही जो जवाब होगा दैट वुड बी बी, लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कहीं पर आपको इसका आंसर डी दिया जाए, कि ये सिंगुलैरिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा, ब्लैक होल्स को स्टडी किया जाए, अभी पिक्चर क्लिक की गई है ब्लैक होल की, वो सिंगुलैरिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद कर सकता है, लेकिन जो कोलिजन हुआ है उससे सिंगुलैरिटी को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उससे जो हलचल क्रिएट हुई है उससे हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इसका सही जवाब बी निकल के आएगा, और बाकी आप इस लिंक पर क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। 58th क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। माइक्रोबियल पैथोजेंस जो होते हैं उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। सो द आंसर वुड बी डी, डी आंसर है, दैट इज़ 2, 3 एंड 4। जो पहला पॉइंट है दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर किसी व्यक्ति के अंदर पहले से ही कोई प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये एक्चुअली में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कॉज नहीं करता। बाकी के तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अगर इनकरेक्ट डोसेस लिए जाते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या किसी व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा
क्रॉनिक डिसीज़ है, तो एक की दवा लेते वक्त दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, तो ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही निकल के आएंगे एंड द आंसर वुड बी 2, 3 एंड 4। बाकी एक लिंक यहाँ पर है जिसे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। 59th क्वेश्चन है, Cas9 प्रोटीन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है? ये काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है, लास्ट ईयर से ये क्रिस्पर Cas9 की पूरी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है। इस टॉपिक से लास्ट ईयर आई होप एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो जवाब है बिल्कुल सिंपल है, ए है। ये एक मॉलिकुलर सीजर है जिसका इस्तेमाल जीन एडिटिंग में किया जाता है। तो अगर किसी ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से डील किया जा सकता है। हालांकि पूरा पेपर इतना आसान तो मैं नहीं कहूँगा, लास्ट ईयर की तरह ही पेपर था, लास्ट ईयर की तरह उम्मीद है कट ऑफ भी जाएगी। तो फिर भी ये कुछ क्वेश्चंस तो थे जो ठीक थे, कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा टेक्निकल थे जिन्हें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विकिपीडिया का लिंक है और वो बात यहाँ पे लिखी गई है जो मैंने बताई है कि ये एक बायोलॉजिकल सीजर की तरह वर्क करता है। 60th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपको बताना है। एक्चुअली में यहाँ पे 20 स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो बाकी कुछ देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हेपेटाइटिस बी के बारे में उन्होंने बोला है कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव एनी वैक्सीन, ये गलत है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है और बहुत पहले से है। हाँ, हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं है, बिकॉज एक बार हो गया तो इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन वैक्सीन है, मतलब जन्म के 24 घंटे के अंदर इसका इंजेक्शन दिया जाता है, एक रूटीन होता है उसकी वैक्सीनेशन का, जिसके बाद इसके प्रति बचाव किया जा सकता है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके पता कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा कि 1970s के दौर में ही पहली वैक्सीन को अप्रूव किया गया था USA में हेपेटाइटिस बी के लिए। सो द आंसर वुड बी बी, ठीक है। 61 क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। वो किसी एक ऐसे, जैसे सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसा कानून बनाया है जिसका एक क्लॉज ऐसा है जिस पर उस राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, और वो ऐसा महसूस होता है हाई कोर्ट को कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो वो उस पार्टिकुलर क्लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो कर ही नहीं सकते, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा ना। फिर इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट ने इस संबंध में अपनी एक बात कही है, वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अगर उसे ऐसा लगता है कि वो हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है तो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। तो दो के दोनों स्टेटमेंट गलत निकले, आंसर निकल के आया डी, नीदर वन नॉट टू। बाकी डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है आप यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट्स मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने जो बातें बताई हैं इस संबंध में उसे आप देख सकते हो। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 62nd, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाई कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब ये बास्केट ऑफ गुड्स हैं सर्विसेज और ये बास्केट ऑफ गुड्स हैं, इनको कंपेयर किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकॉनमी। एक झटके में हो सकता है आप इसको सही मार दें, बट ये गलत है, बिकॉज ओरिजिनल टर्म में इंडिया 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन PPP के टर्म में इंडिया 3rd नंबर पे आता है। सबसे ऊपर USA है, देन चाइना है, देन इंडिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत निकल के आएगा। सही जवाब जो आपके सामने है, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट, ए। बाकी देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, लिंक में एक्चुअली में आपको PPP की डेफिनेशन मिल जाएगी, ये पहला वाला, ठीक है। और वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा, सिक्वेंस मिल जाएगा कि PPP के परस्पेक्टिव से कौन से स्टेट का क्या नंबर है, क्या रैंक है। 63rd क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर अगर आपको लग रहा हो तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा उद्देश्य आंसर निकालना है, 5 साल का एनालिसिस ढूंढने लगेंगे आपको तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में मुझे एक स्टेटमेंट मिल गया जिसके बाद सब कुछ एलिमिनेट हो गया। पूछा ये गया है कि खरीफ क्रॉप्स के कल्टीवेशन के परस्पेक्टिव से हमें ये बताना है कि पिछले 5 सालों में जो स्टेटमेंट है उनका इवेल्युएशन करना है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारे पास है 5 साल के डेटा के संबंध में, एरिया अंडर सुगर केन कल्टीवेशन हैज़ स्टीडली इन डिक्रीज्ड। ये कहना चाहते हैं कि सुगर केन कल्टीवेशन का जो एरिया है वो पिछले 5 सालों में धीरे धीरे घटा है, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज्ड। अब मैं आपको आंसर पे लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको एक लिंक दिया है जिसे खोल के आप पढ़ सकते हो, उस लिंक की एक लाइन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है ताकि आपको आंसर ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। द एरिया अंडर कोर्स सीरियल कॉटन एंड पल्सेस कल्टीवेशन हैज़ फॉलन, ठीक है, आगे बढ़िए। ऑयल सीड राइस सुगर केन हैव इंक्रीज्ड, ध्यान दीजिएगा, सुगर केन का एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अगर सुगर केन का एरिया यहाँ पर बताया जा रहा है, इस लिंक में भी आप देख सकते हो कि इंक्रीज हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि डिक्रीज हुआ है, मतलब चौथा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या निकला, ए।
ऐसे ही आंसर ड्रॉ भी किया जाता है अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना पता हो। अगर आपको एक दो इन्फॉर्मेशन पता है तो ऐसे ही आप एलिमिनेट करके अपना आंसर ड्रॉ कर सकते हैं। सो द आंसर वुड बी ए, 1 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, 64th क्वेश्चन देखिए। अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाई इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में सबसे हाइएस्ट वैल्यू किसकी रही? तो देखिए, वेजिटेबल ऑयल इसका करेक्ट आंसर है। वेजिटेबल ऑयल जो टोटल इंपोर्ट होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 3% कवर कर लेता है। बहुत पैसा खर्च होता है हमारा वेजिटेबल ऑयल में, और जो वेजिटेबल ऑयल की नीड है इंडिया को उसका 60% इंपोर्ट से ही पूरा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हम खर्च करते हैं इंपोर्ट करने में किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, दैट इज़ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, सो द आंसर वुड बी डी। एक लिंक है, यू कैन सर्च ऑन इट। 65th क्वेश्चन हमारे सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। लिबर्टी का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टिरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, ये सही है। अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, सही है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये भी सही है, बट थोड़ा सा एक्सट्रीम है। चौथा, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, एक मौका जिससे व्यक्ति अपने आप का पूर्ण विकास कर सके, ये भी सही है। मुद्दा ये है कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो देखिए, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को किसी पॉलिटिकल रूलर की टिरनी से बचाएं, ठीक है, ये इसका ट्रू सेंस में मतलब नहीं है, तो आप इसे एलिमिनेट कर दो। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, देखिए एक नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, वो जो करना चाहता है करे, ये एक तरीके की नेगेटिव लिबर्टी होती है। लेकिन लिबर्टी का मूल उद्देश्य ये नहीं होता, ये इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है, आप इसे भी क्रॉस कर दीजिए। एक्चुअली में मुद्दा दो चीज़ों पर फंसेगा, एक ये एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट है, या फिर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली है। मतलब इन दोनों में से हमें एक्चुअली में चुनना है कि ये बी है या डी है। तो देखिए, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बाधाओं का अभाव लिबर्टी है। लेकिन लिबर्टी का मूल उद्देश्य क्या होता है, अगर आप उसे पकड़ेंगे तो लिबर्टी जो आपको मिलती है उसका उद्देश्य यह होता है कि आप अपना पूरी तरीके से विकास कर सकें। तो जो सही जवाब निकल के आएगा, दैट वुड बी डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। मतलब जो स्वतंत्रता आपको दी जाती है उसका मूल उद्देश्य यह है कि आप अपना पूर्ण विकास कर सकें। स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। तो सही जवाब निकल के आता है यहाँ पर डी। बाकी कुछ जगहों पर आपको आंसर बी भी मिल सकता है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए दैट इज डी। ठीक है, सो द आंसर इज डी। लिंक रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बाकी आप थोड़ा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट आंसर डी ही होगा। ठीक है, 66th क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी? ये काफ़ी न्यूज़ में रहा बिकॉज रुपी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो कौन से कदम नहीं लिए जाते हैं रुपी को डेप्रिसिएट होने से रोकने के लिए? नॉट मतलब कि तीन सही होंगे और एक गलत होगा, गलत वाला तलाशना है। नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ के इंपोर्ट को कर्व किया जाता है ताकि हमारे देश से पैसा बाहर ना जाए, डॉलर बाहर ना जाए, सही जवाब है। इनकरेजिंग द इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, ये भी सही है। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बोरोवर्स हैं वो बाहर से पैसा ले सकें, डॉलर का इनफ्लो भारत में आए, ये भी सही है। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये हमारा जवाब नहीं है क्योंकि जवाब तो हमें नॉट में ढूंढना है। नॉट ये चौथा है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि RBI मनी के फ्लो को मार्केट में बढ़ा देता है। अगर मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा तो मनी का जो मनी की वैल्यू है वो और भी गिर जाएगी, रुपए की वैल्यू और भी गिर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा सही जवाब है डी। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्लिक करके आप जो डेफिनेशन है एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वो देख सकते हैं। 67th क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। तो अभी RBI ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं पेमेंट सिस्टम डेटा को लेकर, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा को लेकर, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट ये है, दे सैल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग बाई देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि दे सैल इंश्योर दैट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आप उस नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये लाइन आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, सिंस वो एक पेज की नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सीधा क्लिक करिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। कोई
रूल तो वो है नहीं, कोई बिल तो है नहीं कि उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है वही बात है, तो ये बात है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा, दे शैल सबमिट ए कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू दी कैग। आप वो नोटिफिकेशन खोल के देखिएगा, लिंक में कैग का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ये भी गलत निकल के आएगा। आंसर होगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। लिंक यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने रखा हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन खोल के आप देख लीजिए, ये आरबीआई की ओरिजिनल साइट से मैंने निकाला हुआ है। 68th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25th मई 2018। तो ये चूंकि देखिए इम्प्लीमेंट हुआ है 2018 के मई में, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हालांकि ये GDPR काफ़ी पहले आ गया था, पिछले साल ये काफ़ी हाईलाइटेड भी था, न्यूज़ में भी था। सही जवाब यूरोपियन यूनियन है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बड़े आराम से आप इसको क्लिक कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस तो देखिए यूपीएससी हर बार देती है जो इजी होते हैं, आप उन्हें एक बार में क्लिक कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली पूरा पेपर उसकी वजह से आसान होगा, ठीक है। बाकी लिंक यहाँ पे है, चेक, वैसे ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, बट चेक करना हो तो लिंक पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। 69 क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अभी हाल ही में एक डील साइन की, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड, ये हमने किसके साथ साइन किया है? सही जवाब है रशिया। वेरीफाई करना है, लिंक पे क्लिक करिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपको पता चल जाएगा। आंसर जो सही है दैट इज बी। 70th क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि एक जो 100 रुपये बैंक के पास होते हैं, बैंक उसे बार बार कई बार लेंड करता है, मतलब ये 100 रुपये अपनी वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होता है? बिकॉज एक बार अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को 100 रुपये का लोन दिया, बड़े अमाउंट के तौर पे इवेल्यूएट इमेजिन करिएगा, 100 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है, वो उस अमाउंट को अपने पास ही रखता है, उसके अकाउंट में एक नंबर जोड़ देता है, फिर उसमें वो SLR CRR फिर से पे करता है और बाकी के अमाउंट को फिर से लोन पे दे देता है, फिर से SLR CRR पे करता है और फिर से बचे हुए अमाउंट को पे कर देता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को लोन के तौर पर दे देता है। तो अगर SLR और CRR कम हो तो मनी मल्टीप्लायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर SLR और CRR ज़्यादा है, चूंकि उसको बार बार वो पे करना पड़ता है, तो मनी मल्टीप्लायर हिंडर होता है, रुकता है। अब यहाँ पे पूछ ये रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर जो है वो इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज होता है, ये कह रहे हैं CRR बढ़ा दो, गलत हो गया, हमने तो घटाने की बात की थी। बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, ये सही जवाब है, कैसे है बताता हूँ। इंक्रीज इन द स्टैचुरी लिक्विडिटी ऑफ रेशियो, SLR बढ़ा दोगे तब भी जो मनी मल्टीप्लायर है वो हिंडर होगा, और पॉपुलेशन की इंक्रीज से हो सकता है लेकिन ये श्योर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो बैंकिंग से जुड़े, ये ज़रूरी तो नहीं, तो अगर वो बैंकिंग से जुड़ नहीं रही है तो फिर वो लोन क्यों लेगी या वो डिपॉजिट क्यों करेगी, तो मनी मल्टीप्लायर का इस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत निकलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही जवाब ये है, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, जो लोग हैं वो बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा जुड़े, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ज़्यादा डिपॉजिट होगा और वो ज़्यादा लोन लेंगे तो बैंक के पास ज़्यादा स्कोप होगा ना लोन देने का, तो मनी मल्टीप्लायर इन्हेंस होता है अगर पॉपुलेशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा जुड़ती है, कुल मिला के फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही निकल के आएगा, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, अगर आप इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो ये सवाल आप टैकल कर सकते हैं। आंसर है बी, लिंक रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 71st क्वेश्चन हमारे पास है, सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये अप्रोच अपनाया गया है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक सर्च कर लीजिएगा, आपको पहली दूसरी लाइन में ये बात मिल जाएगी। आंसर हमारा करेक्ट बी है। 72nd क्वेश्चन हमारे सामने है, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैंड इज अ माइनर मिनरल, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, सही स्टेटमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, यहां तक तो स्टेटमेंट सही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है लीजेस वगैरह देने का, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आधा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये अधिकार भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स, बिल्कुल स्टेट के पास अगर कानून बनाने का, रूल्स बनाने का अधिकार है तो वो इसके लिए भी कानून बना ही सकते हैं। तो सही जवाब निकल के आया 1 और 3, आंसर निकलेगा ए, 1 और 3 ओनली। बाकी एक लिंक है, सर्च करना चाहते हैं तो माइनर मिनरल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पे मिल भी जाएगी आपको, और PDF का मैंने यह लिंक डाला हुआ है, ठीक है। 73rd क्वेश्चन हमारे सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज
ओन्ड बाई गवर्नमेंट एंटिटीज गलत है। प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर अगर मैं ना भी कहूँ तो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज अप्रॉक्सिमेटली 70% एक्सटर्नल डेट लिए हुए हैं इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, ये भी गलत है। हाँ, मोस्ट ऑफ लिखा होता ना, ये ऑल की जगह पे ऑल एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे मोस्ट लिख दिया गया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन उन्होंने मोस्ट लिखा नहीं, ऑल लिखा। 49% के अप्रॉक्सीमेट हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो यूएस डॉलर में है, लेकिन कुछ रुपी में है, कुछ एसडीआर में है, कुछ येन में है, तो सिर्फ रुपी में, सिर्फ डॉलर में तो नहीं है। तो ये दोनों, ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तो जो स्टेटमेंट, जो सही जवाब निकलेगा वो निकलेगा डी, नीदर वन नॉर टू। यहाँ पे द हिंदू का एक लिंक है जो पहले स्टेटमेंट को रॉन्ग डिक्लेयर करेगा, और एक इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक यहाँ पे है जो दूसरे स्टेटमेंट को रॉन्ग डिक्लेयर करेगा, तो लिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। 74th क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है पिक्चर क्लिक करते वक्त, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, कमर्शियल बैंक का एसेट क्या नहीं होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया है, आप इसको क्लिक करना, आपको लिस्ट मिलेगी कि क्या क्या कमर्शियल बैंक का एसेट होता है। सही जवाब बी है, यानी कि डिपॉजिट। वैसे आप जानते भी हो, जो बैंक डिपॉजिट लेता है वो उसकी लायबिलिटी होती है, एसेट नहीं होता। बेसिक इकोनॉमी है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा समझ के लगाना पड़ता है एग्जाम में, बाहर बैठ के तो सब बड़ा आसान आसान लगता है कि हाँ ये बेसिक इकोनॉमी है, आराम से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि दिमाग घूम जाता है, मतलब उनको देखकर और सॉल्व करने में भी काफ़ी समय लग गया। तो क्वेश्चंस टफ भी थे, आसान भी थे। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा अच्छे से बताऊं तो टफ थोड़े ज़्यादा थे, आसान क्वेश्चंस की संख्या कम थी। ऐसे दो चार क्वेश्चंस थे जो आसान थे बट टफ ज़्यादा थे, ठीक है। 74th क्वेश्चन तो आपने देख लिया, 75th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर या कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, इंडिया में जो करेंसी क्राइसिस आता है उसे टैकल करने में क्या सहायक साबित हो सकता है। तो आईटी सेक्टर हमारा काफ़ी ग्रूमिंग है, अच्छा है, तो आईटी सेक्टर से जो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे डॉलर में या किसी भी अन्य करेंसी में होते हैं, तो वो हमारी करेंसी को स्टेबिलाइज करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो बेड़ा गर्क करेगा, ये तो गलत हो गया। सरकार ने ज़्यादा खर्चा किया, मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, रुपये की वैल्यू और गिरेगी, स्टेबिलाइज थोड़ी होगी। तीसरा, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, अगर बाहर से लोग अपने देश में पैसा भेजेंगे तो भी हमारी करेंसी स्टेबलाइज होगी। तो सही जवाब निकल के आएगा 1 और 3, और आंसर वुड बी बी, ठीक है। तो बी आंसर यहां पर होगा 1 और 3, लिंक रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, आराम से निकल जा रहा है आंसर। तो यहां पर हमने 25 क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए हैं, बाकी के रिमेनिंग 25 जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। यहां पर रुकेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन और डिस्कशन।